नमस्कार, कन्नड़ टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ वर्षा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया शेका पक्ष का 64वां वर्धापन दिन। नगराध्यक्ष एवं उप नगराध्यक्ष के बदनामी का षड्यंत्र रचने का प्रयास करने वालों को नगर सेवक गुड़ेकर का करारा जवाब। दमकल विभाग को मिली कामयाबी, दो दिन पहले पांडव कड़ा के तालाब में डूबे युवक को निकाला गया। और नवी मुंबई में बने फिर 50 से भी ज्यादा युवक ठगी का शिकार। शेतकरी कामगार पक्ष का 64वां वर्धापन दिन खोपोली स्थित स्वर्गीय शंभु पाटिल सभागृह में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया, जहां हजारों की तादाद में शेका पक्ष कार्यकर्ता उपस्थित थे। इन कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करने के लिए शेका पक्ष के महासचिव विधायक जयंत पाटिल, पूर्व विधायक मोहन पाटिल, दत्तुशेठ पाटिल, विधायक मीनाक्षी पाटिल, विवेक पाटिल, धैर्यशील पाटिल आदि गणमान्य उपस्थित थे। देखते हैं कार्यक्रम की झलकियां। शेतकरी कामगार पक्ष का 64वां वर्धापन दिन मंगलवार को खोपोली में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। वर्धापन दिवस पर कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करने के लिए शेका पक्ष के महासचिव विधायक जयंत पाटिल, पूर्व विधायक मोहन पाटिल, दत्तुशेठ पाटिल, विधायक मीनाक्षी पाटिल, विवेक पाटिल, धैर्यशील पाटिल आदि गणमान्य उपस्थित थे। तो इस अवसर पर शेका पक्ष के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस दौरान उपस्थित गणमान्यों ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। या
वादत गाजत आम्हाला या ठिकाणी आणलं। पक्षाचे छोटा विजय आज वेगळ्या तरण या ठिकाणी उभं राहिले तर आनंद मला खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी होतो आहे। खोपोलीच्या सर्व शहरातील वेगवेगळ्या विचाराच्या लोकांनी सुद्धा या ठिकाणी जी मदत केलेली आहे, विशेषतः बाजारपेठेतल्या व्यापारी मंडळींनी आपणहून हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी जी मदत केलेली आहे त्याला मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद देतोय, त्यांचे आभार मानतोय। मी निश्चितपणे या ठिकाणी धैर्यशील पाटलांनी सांगितल्याप्रमाणे संस्कृती झाल्यानंतर महाराष्ट्रात फिरलो, आपण सातत्यानं सांगत आलो की या जगामध्ये मार्क्सवादाशिवाय पर्याय नाही, या जगामध्ये डाव्या विचाराशिवाय पर्याय नाही। आणि आजच्या दिवशी वर्तमानपत्र उघडली आणि अमेरिका ही या जगातली सर्वात बलाढ्य अशी शक्ती, आर्थिक नाडी जगाची असलेली ही शक्ती आज देश नामून झाल्याचं मला सकाळी वाचायला मिळालं। की अमेरिकेकडे आज पैसे नाहीत, अमेरिका दिवाळखोरीत निघालेली आहे। अमेरिकेमध्ये आज दिवाळखोरी जाहीर करण्यासाठी सत्तारूढ आणि विरोधी पक्ष एकत्र येऊन आपली लाज या ठिकाणी राखण्याचा प्रयत्न करताय। मला माहिती नव्हतं मी काय आर्थिक विश्लेषण करणारा कार्यकर्ता नाही किंवा आर्थिक विचारवंत नाही, पण मला आनंद वाटला अमेरिकेने चीनकडून सुद्धा आज कर्ज घेतलेला आहे। समूचे महाराष्ट्र में सोमवार को भगवान शिवजी के मंदिर में दर्शन लेने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी थी, जहां भक्तों ने बड़े श्रद्धा भाव से भगवान शिवजी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। आइए हम भी दर्शन करते हैं भगवान शिवजी के। लोककल्याणासाठी आणि या परिसराचा संपूर्ण विकास होण्यासाठी ह्या भोळ्याशंकरावर सकाळीच अभिषेक करण्यात आले। प्रत्येक वर्षी आम्ही आव्हान करत असतो आणि त्या आव्हानाला या परिसरात प्रचंड असा प्रतिसाद मिळत असतो। यातूनच हे कार्य
सर्वांच्या देणगीतून या योगदानातून झालेलं आहे। तसंच मला एक या ठिकाणी सांगावंसं वाटतंय की आपले पनवेलचे आमदार माननीय विवेकानंदजी पाटील यांच्या अथक परिश्रमातून आणि आमचे श्रमिक संघटनेचे सर्वेसर्वा जनरल सेक्रेटरी शेतकरी शेका पक्षाचे ज्येष्ठ नेते श्री गजानन माळी यांच्या अथक परिश्रमातून लोककल्याणासाठी इथं सुंदर असा घाट ह्या समर्पित या मंदिरासाठी केलेला आहे, लोककल्याणासाठी त्यांनी समर्पित केलेला आहे। असेच ह्या ठिकाणी सर्व राजकीय पक्षाचे पुढारी इथं येऊन मंदिराला भेट देत असतात। सर्व देणगीदारांना मी इथं धन्यवाद देतो आणि भोळ्या शंकराची कृपादृष्टी सर्वांवर राहो अशी मी भोळ्या शंकरापाशी प्रार्थना करतो। रायगढ़ जिला कबड्डी एसोसिएशन के कार्यवाहक नथुराम पाटिल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पेंट तालुका अंतर्गत कोळगे गांव में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था, जहां मुख्य अतिथि के रूप में विधायक विवेक पाटिल एवं विधायक धैर्यशील पाटिल उपस्थित थे। रायगढ़ जिला कबड्डी एसोसिएशन के कार्यवाहक नथुराम पाटिल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पेंट तालुका अंतर्गत कोळगे गांव में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इतवार को आयोजित इस कार्यक्रम के पारितोषिक वितरण समारोह के दौरान जिला कबड्डी में अमूल्य योगदान देने वाले खिलाड़ियों को गणमान्यों के हाथों सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक विवेक पाटिल एवं विधायक धैर्यशील पाटिल को आमंत्रित किया गया था। तो इस अवसर पर करनाला स्पोर्ट्स अकेडमी के उपाध्यक्ष रविशेठ पाटिल, पूर्व अध्यक्ष विजय म्हात्रे, संचालक नथुराम पाटिल, गोपीनाथ पाटिल, वजो पाटिल आदि गणमान्यों सहित पदाधिकारी एवं खिलाड़ी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। खारघर स्थित पांडवकड़ा में दो दिन पहले तालाब डूबे लापता युवक का शव मिला है, तो जानते हैं काल के गाल में समा गया यह युवक कहां का है और क्या कहना था पुलिस अधिकारी का, एक नजर खबर पर। पहाड़ों के बीच बसे खारघर स्थित पांडवकड़ा का आकर्षण युवाओं को ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ युवक युवतियाँ पिकनिक मनाने आते हैं। देखा यह गया है कि लोग पिकनिक के वक्त पानी में भीगने के लिए उतर जाते हैं। अगर हिसाब लगाया जाए तो अब तक पांडवकड़ा में दर्जनों से ज्यादा युवक काल के गाल में समा चुके हैं। यहाँ किसी प्रकार की कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने की वजह से बार बार दुर्घटनाएं घटती रहती है। आज से दो दिन पहले मुंबई के दो युवक इस तालाब में डूब चुके थे, वही और एक कोपर खेरने का रहने वाला 17 वर्षीय युवक भी डूब गया था, जिसकी लाश दमकल कर्मचारियों को नहीं मिल पाई थी। लेकिन सोमवार को दमकल कर्मचारियों ने
धीरज भिसे के शव को खोज निकाला। दमकल अधिकारी एस एच शिंदे का कहना था, मिले है धीरज मारुति मसे, उसकी उम्र है 17 साल और बॉडी तो ऊपर ले लिया हम लोग, अभी एम्बुलेंस में शिफ्ट करेंगे, पंचनामा चल रहे हैं। ये रहने वाले है कोपर खेरना, उनके रिलेटिव्स है फादर एंड अंकल्स। नहीं, फ्राइडे को ही तलाश चालू था दब से, अभी बॉडी तो अब मिल गई। वही घटनास्थल पर मौजूद कारगर पुलिस थाने के पुलिस अधिकारी ने हमारे संवाददाता को विस्तृत जानकारी दी। हा धीरज है तो त्याच्या एका मित्राबरोबर आलेला होता, अजय नावाचा है तो, फिरण्यासाठी आलेला होता, कोपर खेरण्याला राहतात हे। त्या ठिकाणी हा पाण्यामध्ये वाहून गेला, अजयला काही माहिती नव्हतं हा गेला की नाही, माझी मिसिंग होती दाखल आपल्याकडे खारगर पोलीस स्टेशनला, माताची बॉडी सापडलेली आहे, हा मयत झालेला आहे। खारगर पोलिसांचं इथं नेहमीच पेट्रोलिंग असतं आणि हे पांडवगडाला भरपूर लोक येतात फिरायला, तसे धोकादायक ठिकाण आहे म्हणून आम्ही बीट मार्शल किंवा झोन टू स्ट्रायकिंग आहे आमचे, ते ह्या ठिकाणी ठेवत असतो लोकांना सांगायला की धोकादायक ठिकाण आहे, सावधगिरीने जा किंवा शक्यतो जाऊच नका। जिस तरह से पांडवगडा सैलानियों की जीवन लीला को खत्म कर रहा है, वन विभाग को चाहिए या सुरक्षा रक्षक का इंतजाम करे या फिर पिकनिक मनाने जाने वाले लोगों पर रोक लगा दी जाए ताकि फिर कोई दुर्घटना का शिकार ना बन सके। कैमरामैन किरण पाटिल के साथ कर्नाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट। नगराध्यक्ष संदीप पाटिल और उप नगराध्यक्ष श्रीनंद पटवर्धन ने पनवेल पालिका में जब से पदभार संभाला तब से विकास कार्यों का जो सिलसिला शुरू किया कि विरोध भी उनकी वाहवाही कर रहे हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनकी कार्य तत्परता से परेशान हैं और ऐसे ही लोगों ने नगराध्यक्ष और उप नगराध्यक्ष को बदनाम करते हुए शिवसेना नगर सेवक रमेश गुड़ेकर की आड़ में बदनामी के तीर चलाए हैं। समाचार पत्रिका निर्भीड लेख के माध्यम से विरोधियों ने यह षड्यंत्र रचा है जिसके बारे में नगर सेवक रमेश गुड़ेकर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए गठबंधन की भूमिका पर प्रकाश डाला। कुछ दिन पहले नगराध्यक्ष संदीप पाटिल ने पनवेल शहर अंतर्गत विवादित मुतारियों को जमींदोस्त करने का निर्णय लिया था, मगर संदीप पाटिल के इस फैसले के बाद विरोधी गुट कांग्रेस ने उस पर भी राजनीति करनी शुरू कर दी। जिन मुतारियों की वजह से स्थानीय जनता परेशान थी, उन मुतारियों को जमींदोस्त करने के बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने संदीप पाटिल को निशाना बनाते हुए गठबंधन में दरार पैदा करने का प्रयास किया। एक स्थानीय समाचार पत्रिका के हवाले से रमेश गुड़ेकर की आड़ में विरोधियों ने संदीप पाटिल पर मनमानी के आरोप लगाए थे, मगर खुद रमेश गुड़ेकर ने उन आरोपों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए गठबंधन के फैसले को सही ठहराया है। विशेषता ही जी बाब जी आहे आता मुतारीच्या बाबतीतली जो प्रश्न जो निर्माण झालेला आहे त्याच्याबद्दल जी बातमी आली त्याच्याबद्दल तुमचा जो प्रश्न आहे, मुतारी आज पनवेल वाढत्या पनवेलमध्ये मुताऱ्या ह्या सुद्धा म्हणजे एक स्वप्न आहे, एक आम्ही जो कार्यक्रम घेतलेला जो आहे महायुतीने त्याच्यामध्ये एक स्वप्न असं आहे की आज वाढत्या पनवेलमध्ये स्वच्छ आणि सुंदर पनवेल असावं, त्याचप्रमाणे ह्या मुताऱ्या सुद्धा स्वच्छ आणि सुंदर असाव्यात ही भावना आमच्या महायुतीची आहे। त्या महायुतीच्या भावनेतून या मुताऱ्या आम्ही जरी तोडल्या तरी परत त्या तिथेच त्या बांधायच्या आहेत असं आमचं त्याच्यामध्ये आमचं असं कारण आहे। त्याच्यामुळे ह्या असं कुणाला वाटतं की त्या मुताऱ्या तिथनं काढल्या काहीतरी त्यात व्यवहार झाला असा कोणताही व्यवहार झालेला नाही, त्या मुताऱ्या परत तिथं बांधलेल्या, विशेष करून जी एसटी स्टँडवरची विश्वहॉटेलच्या समोरची जी काही मुतारी तोडली गेलेली आहे ती मुतारी त्या तिथील हॉटेलवाल्यांनी आम्हाला लेखी त्यांनी एक निवेदन दिले, त्या निवेदनामध्ये त्यांनी ती मुतारी सुशोभित त्यांनी त्या बांधायच्या त्यांनी त्यावेळेला आम्हाला त्या पत्रातून कळवलेलं आहे, त्याच्यामुळे ती तिथली ती मुतारी त्या पद्धतीने ते करणारच आहेत, त्याच्यामध्ये ती कशी सुशोभित असेल आणि एकदा पनवेलला ती चांगली सुंदर कशी होईल ही भावना आज आमच्या महायुतीची आहे। त्याच्यासाठी ह्या सगळ्या मुताऱ्या ज्या दोन या ज्या काय तोडलेल्या आहेत त्या स्वच्छ आणि सुंदर बांधण्यासाठीच तोडलेल्या आहेत असं मला म्हणायचं आहे। इस विषय पर जब नगराध्यक्ष संदीप पाटिल से बात की गई तब उन्होंने भी अपनी भूमिका स्पष्ट करते हुए कहा कि स्वच्छ और सुंदर पनवेल का हमारा सपना है, लिहाजा उसी के मुताबिक मुतारियों की दुरावस्था को देखते हुए नागरिकों की मांग के अनुसार हमने उन विवादित मुतारियों को तोड़ा है और जल्द ही उसी स्थान पर अद्यावत मुतारियां बनाई जाएगी, ऐसा प्रतिपादन संदीप पाटिल ने किया। महायुति माध्यमातून आम्ही जे काय निर्णय घेत आहोत त्यांच्याबद्दल पोटफोळ विरोधकांमध्ये उठणारच ते साहजिकच आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांना आता हे थोडी धडकी भरलेली की निश्चित आहे नक्की काय काम करत आहे, स्वच्छ पनवेल सुंदर पनवेल या विरुद्ध वाक्याखाली आता आम्ही जे काम करायला सुरुवात होती। वास्तविक पहिली जी मुतारी आम्ही तोडली ती जवळजवळ आता त्याला 1.5 महिने झालेले आहेत आणि एसटी स्टँडवरची मुतार तिथल्या लोकांचं हॉटेलवाल्यांचं आणि येणाऱ्या नागरिकांमध्ये एकदम किडे पडलेले होते, अतिशय वाईट परिस्थिती त्या मुतारीची होती आणि म्हणून ती तोडून टाकली आणि त्याच जागेवर चांगल्या पद्धतीची
नवीन अशा आम्ही तिथं मुतारी बांधण्याचा मानस आम्ही युतीच्या माध्यमातून केलेला आहे. दुसरी जी आम्ही इथे महाड बँकेच्या समोरची तोडली ती रोड वाइडनिंग मध्ये अडथळा येणारी होती. तिथं कोणीही तिथं त्याचा वापर करत नव्हता आणि जवळजवळ 4 मीटर त्याच्यामध्ये रस्त्याची रुंदीकरणाचा प्रस्ताव आढळला होता. आरटीओनी देखील त्याच्याबद्दल तक्रार केल्या होत्या आणि म्हणून ती देखील तिथून तोडून टाकलेली आहे. हालांकि नगराध्यक्ष संदीप पाटिल के इस फैसले से स्थानीय नागरिकों में खुशी का वातावरण देखने को मिला और उन्होंने पालिका को धन्यवाद भी दिए हैं. कुल मिला के पालिका में बैठे गठबंधन के नगराध्यक्ष और उपनगराध्यक्ष की कार्य तत्परता ने कांग्रेस के खेमे में चिंता का वातावरण पैदा कर दिया है, क्योंकि महज 2 महीनों बाद पालिका के चुनाव होने वाले हैं. ऐसे में गठबंधन द्वारा शहर में विकास का सिलसिला यूं ही चलता रहा तो अपनी खैर नहीं, यही सोचकर कांग्रेस के नगर सेवक भयभीत हो रहे हैं और इस तरह किसी समाचार पत्रिका की आड़ में गठबंधन के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, ऐसा आरोप संदीप पाटिल ने लगाया है. कैमरा पर्सन किरण पाटिल के साथ करनाला टीवी के लिए हरीश मोकल की रिपोर्ट. अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, आप कहीं भी मत जाइएगा, देखते रहिए करनाला टीवी. जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर करनाळा. करनाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर. स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%. बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर. NPAचे प्रमाण 6.19%. मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट वर आकर्षक व्याज. दिनांक 1/8/2011 पासून मुदत ठेवीवरील आकर्षक व्याज दर 15 ते 45 दिवस 5.50%, 46 ते 90 दिवस 6.75%, 91 ते 180 दिवस 8%, 181 दिवस ते 1 वर्ष 8.75%, 1 वर्षाचे वर म्हणजेच 13 महिने ते 2 वर्ष 10.50%, 2 वर्षांचे वर म्हणजेच 25 महिने ते 3 वर्ष 10%, 3 वर्षांचे वर ते 5 वर्षे 9%. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 1% ज्यादा व्याज आणि आपल्या ठेवी 7.5 वर्षात दुप्पट. कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकरची ही सेवा उपलब्ध. त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर. बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना. दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने. महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबई द्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिले व दुसरे पारितोषिक, त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील. माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक. या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद. तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार 9:30 ते 5:30 आणि 2:30 ते 6:30 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा. आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल. आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 2745-9111, 2746-2700 आणि 3298-3363. जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्चून कार्स प्राइवेट लिमिटेड, अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुना हाईवे पर कोलखे विलेज और पलस्पा फाटा के पास फॉर्चून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर. हमारे यहां आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांसा, इंडिगो सीएस, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डायको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार. वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है.
फॉर्चून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस। तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास। आपके सपनों को साकार करने का वादा, फॉर्चून कार्स का यही है इरादा। डी मार्ट डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी मार्ट, परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी मार्ट। डी मार्ट मध्ये आहेत 8,000 जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य कडधान्य ताजा भाजीपाला स्टेशनरी कॉस्मेटिक्स गिफ्ट आर्टिकल्स भांडी प्लास्टिक आयटम फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गार्मेंट सुद्धा। डी मार्ट कुटुंबातील प्रत्येकासाठी प्रत्येकाच्या गरजेसाठी। डी मार्ट दररोज डिस्काउंट दररोज बचत, सकाळी 10 ते रात्री 10 अखंड विनम्र सेवा फक्त डी मार्ट मध्ये म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये। आमचा पत्ता डी मार्ट प्लॉट नंबर 1 सेक्टर 9E सेक्टर 14 समोर सिडको वॉटर टँक जवळ रोडपाली गाव रोड कळंबोली। डी मार्ट आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा। संपर्क नंबर 91 67 30 75 80 म्हणजेच 9167307580। आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे। डी मार्ट जनहिताचा निर्वाळा दैनिक कर्नाळा पनवेल रायगड आणि नवी मुंबई सह आसपासच्या घडामोडींचा वेध घेणारं आपल्या हक्काचं व्यासपीठ दैनिक कर्नाळा। कला क्रीडा समाजकारण राजकारण अपराध जगत इत्यादी क्षेत्रातील ताज्या घटनांचं प्रतिबिंब दैनिक कर्नाळा। आपल्या भावभावनांचं दर्पण आणि आपल्या हक्काचा आवाज दैनिक कर्नाळा। आज तक भारत में सैकड़ों बार विदेश भेजने के नाम पर ठगों ने ठगी के कारनामों को अंजाम दिया है। तमाम न्यूज चैनलों पर तथा अखबार में खबरें छपने के बाद भी लोग ठगी का शिकार बनते जा रहे हैं। नवी मुंबई में 2 दर्जन से ज्यादा युवक विदेश जाने की चाहत में ठगी का शिकार बन गए हैं। यह घटना सानपाड़ा स्थित मेफको मार्केट के पास अन्नपूर्णा बिल्डिंग के दफ्तर में घटी है। तानिया इंटरनेशनल तथा सिमरन इंटरनेशनल नाम से सानपाड़ा में एक दफ्तर खोला गया था, जिन्होंने अखबार में विज्ञापन छपवाया था। अखबार में विज्ञापन को देखकर कई युवक सानपाड़ा स्थित तानिया इंटरनेशनल के दफ्तर पहुंचे, जहां ठगों की टीम ने विदेश जाने वाले युवकों को ऐसा झांसा दिया कि उनके झांसे में 70 से ज्यादा युवक अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई सौंप दी। आपको जानकर हैरत होगी कि हर एक युवक से सिंगापुर जाने के नाम पर 1 से 1.5 लाख रुपए वसूले गए। इन सारी बातों की जानकारी एपीएमसी पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक श्री टेले ने दी। एक स्वप्निल भास्कर पाटील म्हणून आहे ते, व त्याच्याकडे सारखे 30-40 ते 45 लोकांना एक आरोपींनी तानिया इंटरनॅशनल म्हणून हे फॉर्म टाकला होता। त्याबाबत त्यांनी सिंगापूर येथील पार्क हॉटेलमध्ये नोकरी लावतो असे सांगून त्यांनी 40 ते 42 मुलांकडून, ही संख्या वाढण्याची शक्यता आहे, त्यांच्याकडून जवळजवळ 36 लाख रुपये घेतलेले आहेत। त्यांचे पासपोर्ट घेतले व त्यांना कलकत्ता इथे पाठवून तिथून ते एअरपोर्टला सिंगापूरला पाठवतो असं सांगून त्यांच्याकडून त्यांची फसवणूक केलेली आहे। ज्यावेळी सर्वजण कलकत्त्याला गेले त्यावेळी त्यांना माहिती झाली की आज तिकीट वगैरे तर सर्व त्यांनी रद्द केलेलं आहे। त्यावर आमच्याकडे गुन्हा दाखल झालेला आहे, त्यामध्ये 3 आरोपी अटक आहेत। त्यांचं रिमांड ॲप्लिकेशन 4 तारखेपर्यंत रिमांड आहे। त्यांचं परदेशामध्ये नोकरी असे आज सांगून त्यांनी वृत्तमानपत्रांमध्ये ॲडव्हर्टाईज केली होती। त्याबाबत त्यांनी तानिया इंटरनॅशनल हे ऑफिस टाकलं होतं। ज्यांना फसवलेलं आहे कॅन्डिडेट आहे ते 80 ते 90 पर्यंत संख्या वाढण्याची शक्यता आहे। आतापर्यंत 40 ते 42 कॅन्डिडेटचे आम्ही जबाब नोंदवलेले आहेत। त्याप्रमाणे त्यांनी प्रत्येकाकडून 1 ते 1.5 लाख रुपये घेतलेले आहेत। सुमारे 3 ते 4 महिन्यापासून त्यांचं चाललेलं होतं। त्यापैकी एक आरोपी आहे रईस अहमद इनामदार खान, तो सध्या बेलवर आहे। दुसरे 2 सध्या पोलीस कस्टडीमध्ये आहेत। त्यांनी आमच्याकडे FIR लॉकअप केल्यानंतर आम्ही त्या सर्च घेतला, त्यानंतर जे कोण होते त्यांच्या त्याला पकडून त्यांना कारवाई केलेली आहे त्यांच्या मिळालेल्या माहितीच्या प्रमाणे। त्यामुळे 80 ते 90 लोकांना त्यांनी फसवणूक केलेली आहे। पीएमसी पुलिस के कब्जे में 2 आरोपी आ चुके हैं। पकड़े गए आरोपी मुमरा के रहने वाले हैं। पकड़े गए आरोपियों का नाम है वलीउल्लाह कुरेशी उम्र 42,
तथा दूसरे आरोपी का नाम है शकील अहमद। हम अपने दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि विदेश जाने से पहले जांच पड़ताल कर ले, तभी अपनी मेहनत की कमाई दूसरों के हाथ सौंपे, ताकि आप ठगी का शिकार ना बन पाए। कर्नाला टीवी के लिए नवी मुंबई से गोपाल शाह की रिपोर्ट। फिर एक बार स्कूली विद्यार्थियों की सुरक्षा का मुद्दा उपस्थित हो रहा है। निजी स्कूल प्रशासन विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ करने पर तुले हुए है। यह हम कोई कहानी बयान नहीं कर रहे हैं, यह हकीकत है। मामला नवीन परवेल के एक स्कूल का है। क्या है सच्चाई, देखते हैं खबर के जरिए। इन दिनों नवी मुंबई के लगभग सभी निजी स्कूल किसी न किसी विवाद के चलते सुर्खियों में है। चाहे डीएवी पब्लिक स्कूल हो, रियान इंटरनेशनल स्कूल हो या सेंट जोसेफ हाई स्कूल हो, कभी शिक्षकों का आंदोलन, कभी फीस बढ़ोतरी का मामला, तो कभी स्कूल बसों का मामला। इन स्कूलों में इस तरह के मामले आए दिन होते रहते हैं और इन मामलों में दांव पर लगता है तो बस विद्यार्थियों का भविष्य। हम आपको बता दें कि वर्तमान स्थिति में सेंट जोसेफ हाई स्कूल में हो रही विवादास्पद घटनाओं के चलते अभिभावकों में गुस्से का और चिंता का वातावरण है। ऊपर से स्कूल प्रबंधन अपनी मनमानी से विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जरा इन स्कूली बसों पर नजर डालिए। यह स्कूली बस आधिकारिक तौर पर स्कूल से जुड़ी नहीं है, बल्कि यह बसें निजी तौर पर चलाई जा रही हैं। इन बसों का ना तो स्कूल के पास रिकॉर्ड है और ना ही स्कूल प्रबंधन ने यातायात पुलिस को इसकी जानकारी मुहैया कराई है। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि अवैध रूप से विद्यार्थियों को सफर कराने वाले निजी वाहनों पर यातायात विभाग बेहिचक कार्रवाई करता है, तो भला यह प्राइवेट बसें उनकी नजर से कैसे छूट जाती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्राइवेट ट्रांसपोर्टर स्कूल प्रबंधन और यातायात विभाग की मिलीभगत हो? जो भी हो, लेकिन सीकेटी स्कूल बस दुर्घटना के बाद स्कूली बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा चर्चा में आया था। स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर काफी बहस भी हुई थी और यातायात विभाग ने कड़े नियम बनाकर उसके अमल की पाबंदी करने के निर्देश बस ड्राइवर सहित स्कूल प्रबंधन को भी दिए थे। लेकिन बावजूद इसके सेंट जोसेफ हाई स्कूल यातायात से जुड़े सभी नियमों को साख पर रखकर विद्यार्थियों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब इस मामले में हमारे संवाददाता ने स्कूल प्रबंधन से बात करनी चाही तो स्कूल प्रबंधन ने चुप्पी साधना मुनासिब समझा। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि सेंट जोसेफ हाई स्कूल में चलाई जा रही प्राइवेट बसों से सफर करने वाले बच्चों के सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? कैमरामैन दत्ता मोकल के साथ कर्नाला टीवी के लिए विक्रम बाबर की रिपोर्ट। चलते चलते दोबारा नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया शेखा पक्ष का 64वां वर्धापन दिन। नगराध्यक्ष एवं उप नगराध्यक्ष के बदनामी का षड्यंत्र रचने का प्रयास करने वालों को नगर सेवक गुड़ेकर का करारा जवाब। दमकल विभाग को मिली कामयाबी, दो दिन पहले पांडवकड़ा के तालाब में डूबे युवक को निकाला गया। और नवी मुंबई में बने फिर 50 से भी ज्यादा युवक ठगी का शिकार। आज के लिए बस इतना ही। कर्नाला टीवी के बारे में यदि आपकी कोई राय हो या आप सुझाव करना चाहते हो तो हमारा संपर्क नंबर है 2745733838। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।